गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ योर मंजू मैम, आई विल टीच यू जीके फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। चैप्टर 23 एंड 24, दैट लास्ट चैप्टर्स आर ऑलरेडी वी मनीषा मैम टॉट यू नो टिल 22 एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर 23 एंड 24। ओके, चैप्टर 23, दिस इज द चैप्टर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है अपन कोई भी चीज को यूज करते हैं तो उसको इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। जैसे डॉक्टर्स है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप है, या कोई सीजर्स है, बैंडेड है, वो सब कोई भी चीज यूज करते हैं तो उसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और आपका आपकी मम्मी है तो किचन में कोई भी है ना वेसल्स यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं ना, उसको भी एक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर्ड्स, म्यूजिकल का मतलब क्या, म्यूजिक का मतलब क्या होता है बच्चों? हाँ, गाना बजाना या कोई आवाज आना तो उसके इंस्ट्रूमेंट है। तो वो आपको मैं पिक सेंड कर दूंगी, जैसे कि इसमें पियानो, गिटार, ट्रम्पेट, ढोलक, वायलिन, ड्रम और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। तो आपको इस बुक में फिल करना है, मैं इसके फिल करके इसके भेज दूंगी। पेज नंबर 27, इसका पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट्स के नीचे उनके उनके नेम लिख के आपको पिक सेंड कर दूंगी। ओके, आई शॉट यू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और भी बहुत सारे होते हैं बट इसमें कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के नेम लिखे हुए। ओके, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर 24, means of transport, means of transport। ये वाला चैप्टर आपने ऑलरेडी ईवीएस में पढ़ा हुआ होगा बच्चों। ट्रांसपोर्ट्स का मतलब आप कैसे ट्रैवल करते हो, कौन से थ्रू, जैसे कि हवा में, पानी के थ्रू या लैंड पे। तो देयर विल बी द थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कितने ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स? थ्री। वन इज एयर, सेकेंड इज वॉटर, थर्ड इज लैंड। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एयर? ई आई आर, एयर। एयर का मतलब क्या होता है? हवा। हवा में कौन से ट्रांसपोर्ट चलते हैं? एयर में ऊपर उड़ने वाले, हाँ ऊपर उड़ने वाले बच्चों, तो कौन से होते हैं? हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, रॉकेट, है ना, तो वो एयर ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट इज वॉटर, डब्ल्यू ए टी आर, वॉटर। वॉटर का मतलब क्या होता है? पानी। गुड, वॉटर का मतलब पानी होता है। तो वॉटर में भी कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं? इन वॉटर विच ट्रांसपोर्ट इज वी कैन ट्रेवल थ्रू द वॉटर, बाय विच ट्रांसपोर्ट? बोट, हाँ, और शिप, स्ट्रीम, यॉच, ऐसे बहुत सारे होते हैं। एंड लास्ट वन इज लैंड, लैंड। लैंड का मतलब नीचे जमीन। और जमीन पे कौन से ट्रांसपोर्ट्स पे आप चलते हो, जैसे कि बाईसाइकिल, ऑटो रिक्शा, कार, वैन और बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स के नेम्स होते हैं। ये सारे ट्रांसपोर्ट से आप क्या करते हो? यू कैन ट्रैवल वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि कोई भी जगह पे जाना हो तो आप इस ट्रांसपोर्ट की यूज कर सकते हो, है ना। जैसे कि बहुत दूर दूर जाना हो तो किससे जाते हो? बहुत दूर जाना हो तो कोई एरोप्लेन से जाते हैं, कोई ट्रेन से जाते हैं, कोई कार से जाते हैं, बस से जाते हैं, है ना। एंड आपके नियरर, आपके पास वाली गली में या पीछे वाले गली में, if you want to travel near, you can go by walk, yeah, you can use bicycle or scooter, hai na, and this fill in the blanks also I will explain and I will send the answer and I will send this pic of this page. And page is 28. First see the picture of this, first wala kya hai, ab dekh ke identify karo bachcho. Okay, you can identify this one. This is the aeroplane. You want to write here aeroplane. And what is the second picture? Train. Good, train likhna. Next, third is
पिक्चर को देखकर आपको आइडेंटिफाई करना, थर्ड इज ऑटो रिक्शा, गुड। नेक्स्ट ये क्या है बोलो, बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, क्या है, क्या हो सकता है, जहाज, हाँ हिंदी में जहाज बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शिप, एस एच आई पी शिप। आप बार बार गलत करते हो, एक तो होता है एस एच डबल ई पी शिप, वो होता है, वो उसको क्या बोलते हो, एनिमल, और ये वाला है ना ट्रांसपोर्ट, इसको एस एच आई पी शिप बोलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस, मोटर बाइक, गुड मोटर बाइक। एंड व्हाट इज दिस फाइनली, कार, ये क्या है, कार। एंड आई विल राइट द आंसर्स एंड आई विल सेंड यू द पिक, यू वॉन्ट टू फिल इन द टेक्स्ट बुक, आपको बुक में ही करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।